गाइस, गुड मॉर्निंग। हिस्टोरिकल अंडमान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और मैं बैकपैक के साथ तैयार हूँ आज फिर एक फिशिंग ट्रिप के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम फिश लैंडिंग सेंटर से बाहर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये जो बड़ा वाला आइलैंड है जो ब्लैक में दिख रहा है फुल, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये है रोपलैंड। दोस्तों वंडूर, कुप्तापाड़ा, रोपलैंड और आसपास के जितने भी आइलैंड हैं, ये पूरे आइलैंड्स जो है ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के अंडर में आता है। तो आज हम ऐसे ही किसी एक आइलैंड पे जा रहे हैं फिशिंग के लिए, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करके आपको हम दिखाते हैं। वीडियो के दौरान हम आपको बताएंगे कुछ कुछ लोकल पॉइंट्स के नाम जिनको हम लोकली नाम से जानते हैं। जैसे कि सामने ये दो आइलैंड देख रहे हैं आप, इस पे एक पे देखिएगा अगर गौर से तो उसमें एक छोटा सा घर दिख रहा होगा, वो पुलिस चौकी है और ये आइलैंड को हम बोलते हैं आरम पॉइंट। दोस्तों आरम पॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने फुंकी बालू का वीडियो शूट किया था कि कैसे उस तरफ से पानी यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। उस तरफ भी एक छोटी सी जेटी है और उसमें पाइपलाइंस लगे हुए हैं और इस तरफ भी एक जेटी है और टैंकर शिप में किस तरह से पानी लेके इस तरफ शिफ्ट करते हैं। दोस्तों रोपलैंड जो है अंडमान का बहुत बड़ा पानी का सोर्स वाला आइलैंड है, तो गर्मियों के टाइम पर जब पानी का मीन्स बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है तो पानी रोपलैंड से ही वाटर टैंकर शिप पे लेके आके इस तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है और पाइपलाइंस के थ्रू पे उसको यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। अभी आपको सामने देखने मिलेगा फुंगी बालू का एक छोटा सा जो बीच है जिसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे बीच की तरफ में, वहाँ पे देखिएगा कुछ मूवमेंट्स चल रही है जो कि पाइपलाइन के ऊपर काम चल रहा है कि वहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे किया जाए पानी के लिए। और इसके बाद देखेंगे आप फुंगी बालू का वो जेटी जहाँ पे मैंने पहले वो वीडियो बनाया था। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, मज़ा आएगा आपको। काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट चल रही है, ये पाइपलाइन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। और यहीं पे सामने एक पानी का फिल्ट्रेशन का टैंक है, प्लांट है, जो भी है। तो दोस्तों जिन्होंने भी मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उनको शायद ये जेटी याद होगा। इस जेटी से मैंने अपना वीडियो शूट किया था और आपको पूरा डिस्क्राइब किया था कि ये कौन सी जगह है एंड ये सामने जो जेटी दिख रही है ये आराम पॉइंट है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ से पानी शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पे कोरल जो कोरल रीफ है वो कितना बड़ा है, कहाँ तक है, पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको दिया था। ये जो बोइंसी लगा है
यहाँ तक का कोरल रीफ है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ये है चिड़िया टापू। चिड़िया टापू तो वैसे ही जितने अगर टूरिस्ट कोई अंडमान आया हुआ है तो उनको अच्छे से पता ही होगा, चिड़िया टापू बहुत ही फेमस बीच है यहाँ पे एक, एंड यहाँ पे एक ट्रैकिंग पॉइंट भी है। तो ठीक रूटलैंड के ऑपोजिट में है चिड़िया टापू। चिड़िया टापू का आगे और भी व्यू आपको दिखाएंगे, उससे पहले देखिए ये जो छोटा सा आइलैंड है जिसके जो आपको अभी कैमरे में दिख रहा होगा और हम इसके बीच से ही जाने वाले हैं। तो ये जो छोटा सा आइलैंड है ये भी रूटलैंड का एक पार्ट है और पिछले साल तक यहाँ पे लाइव फिश हैचरी हुआ करता था, जो ग्रुपर एक फिश की वैरायटी होती है उसको यहाँ पे रख के उसको पाला जाता था, हार्वेस्टिंग होता था, बाद में अकॉर्डिंग टू साइज़ होने के बाद में उसको मार्केट में सेल किया जाता था। तो ये आइलैंड जो है ये भी एक रूटलैंड का पार्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की वाटर क्लियरिटी, ये पानी का डेप्थ तकरीबन 10 से 12 मीटर का है अभी और हम इसी के ऊपर से जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कोरल्स तो उतना कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चट्टान सा उभरा हुआ है और कुछ सी गुल इसमें बैठे हुए हैं। तो ये चट्टान भी कुछ सालों में आगे जाके आइलैंड बन जाएगा। तो आप ये तरफ देख रहे हैं रूटलैंड और इस तरफ है ओपन सी और एक तरफ है चिड़िया टापू। वो जो लास्ट एंड है वो है मुंडा पहाड़। मुंडा पहाड़ के ऊपर भी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। Thank you.
दोस्तों वैसे तो हमारी जर्नी जो है वो 2 घंटे की थी, बट ऑलरेडी हम आधा सफ़र पूरा कर चुके हैं और आधा ही बचा हुआ है। तो जैसे ही ये चिड़िया टापू दिखना बंद हो जाएगा और हम उस तरफ पहुँचें। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए काफ़ी सारे फिशिंग बोट और भी आए हैं इसी जगह पे फिशिंग के लिए, और अब हम भी अपनी जगह तलाश करने में लगे हैं। दोस्तों ये है ओपन सी, कलकत्ता चेन्नई से अगर कोई शिप आता है तो इसी रूट से होते हुए उनको आना जाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए वाटरफॉल, ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था जो मुझे एक इतना खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिला। हम ये वाटरफॉल आपको फिर से एक बार ज़रूर दिखाएंगे वापस आते वक्त थोड़ा नज़दीक से। अभी जो है थोड़ा सा लो टाइड है तो आइलैंड के नज़दीक जाना बहुत ही ख़तरनाक होगा, तो हम आपको दिखाएंगे ये ज़रूर। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली देख के मानो दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो उनको ही पसंद आएगा जिनको नेचर से प्यार है, जिनको समुंदर से प्यार है, आइलैंड से लगाव है, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए ही है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बोट दिख रहे हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे बोट थे और है भी आगे जो फिशिंग के लिए आए हुए हैं। ये लोग चार दिन पाँच दिन हफ्ता भर रुकते हैं यहीं पे, और फिशिंग करने के बाद जब इनका स्टोरेज फुल हो जाता है उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। तो बट हम तो आए हैं यहाँ पे सिर्फ दो दिन के लिए ही, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम दो दिन रुक के वापस जाएंगे और उस दौरान जितना हो सकेगा हम आपको वीडियो में कवर करवाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आइलैंड के करीब, और देखिए यहाँ से व्यू कैसा लगता है आइलैंड का, आपको दिखाते हैं सामने हम। ये है पूरा जिस आइलैंड पे हम फिशिंग करने वाले हैं। कोशिश करेंगे यहाँ भी उतरने की, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मे बी हमें बोट में ही रुकना पड़ जाए या आइलैंड में उतरना पड़े, कुछ कह नहीं सकते अभी। बात करें पानी की क्लियरिटी की तो वो आप देख सकते हैं पूरा साफ दिखाई दे रहा है एकदम नीचे तक। 12 से 15 मीटर की डेप्थ है इसकी अभी, और हमारा बोट का इंजन भी स्लो हो चुका है। तो जैसे जैसे किनार पहुंचेंगे उसके बाद देखते हैं क्या करना है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है वैसे। मैं जस्ट आया हूँ साथ में, और एक छोटा सा प्यारा बीच जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पांच लोगों में तीन लोग उतर गए हैं नाव लेकर, और हम दो जन बचे हैं बोट पे, एक बोट चला रहा है और मैं सामने हूँ। तो अभी हम दो ही लोग हैं बोट पे, देख सकते हैं आप। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सेफर साइड पे, उस आगे की तरफ कहीं पे जहाँ पे थोड़ा सा पानी का जो है डीप ज़्यादा हो, बस काफ़ी है उतना कि हम बोट को सेफली खड़ा कर सकें और लो टाइड में इसके लिए प्रॉब्लम ना हो।
तो हमने बोट को खड़ा कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, बीच है बहुत प्यारा। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी बीच में उतरा जाए। सामने आप आइलैंड्स भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। ये भी रूटलैंड का एक पार्ट है, बैक साइड का। और स्पेशली ये जगह जो है मछुआरों के लिए यूज़ होता है, मीन्स वो लोग यहाँ पे अपना कैंप लगाते हैं। जैसा आपने वीडियो पे देखा होगा, काफ़ी सारे बोट आपको दिखाई दिए होंगे। यहाँ पे एक और ट्रॉलर बोट भी है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रॉलर बोट है, यहाँ पे रुकने का मेन कारण है कि पानी का जो सोर्स है, फ्रेश वाटर का जो सोर्स है, यहाँ पे रुकने का मेन कारण यही है कि फ्रेश वाटर का जो सोर्स है यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो पीने का पानी जो भी है यहीं से भरा जाता है। और बात करें अगर यहाँ की वाटर क्लियरिटी की, तो मैं आपको दिखा एक बात, हवा बहुत तेज़ है इसीलिए उतना साफ दिखेगा नहीं, बट यहाँ से विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है। तो दोस्तों, सुबह से शाम हो गई है और हम बोट पे ही बैठे हैं। वो लोग नाव लेके जो गए हैं वो अभी तक वापस आए नहीं हैं। तो भाई लोग खाना खाने वापस आ गए हैं और अब जो तीन जन गए थे वो तीन जन खाना खाएंगे और उसके बाद वापस फिर जाएंगे उसी जगह। दोस्तों, मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था जिसके कारण हम वीडियो शूट कर पाए ना फिशिंग की कोई एक्टिविटी कुछ भी कर पाए। तो हम अगले दिन जैसे तैसे करके अभी वापस निकल रहे हैं यहाँ से, बट जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपको वाटरफॉल दिखाएंगे, तो वो हम दिखाते हुए सीधे हम वापस निकल जाएंगे। हमारा एक दिन पूरा लैप्स हो चुका है और पूरी रात जैसे तैसे हमने काटा है हवा तूफान में और उसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं। दोस्तों, मौसम बहुत ही खराब हो गया है। दोस्तों, आए थे हम फिशिंग के लिए जैसा कि आपको पता ही है, बट अचानक से यहाँ पे मौसम खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा खराब। आप सामने पहाड़ी पे देख सकते हैं पूरा कोहरा हो गया है और यहाँ पूरा कल रात से नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। तो इसीलिए कल का मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाया, जब तक आ रहे थे ऑन द वे तो तब तक का ही वीडियो शूट कर पाया। आने के बाद यहाँ पे साइक्लोनिक वेदर हो गया था जिसके कारण वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं बारिश हो रही है, हवा तेज़ है, मौसम बहुत ही बिगड़ गया है, अब साइक्लोनिक वेदर हो चुका है। तो कल से यही हाल है जब से हम आए हैं, इसीलिए वीडियो भी शूट नहीं कर पाए और अब हम वापस जा रहे हैं, काम तो कुछ भी हुआ नहीं है।
तो सामने जैसा कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा बीच है, वही हमारी कैंपिंग साइट थी। बट मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि दोस्तों क्या बताऊँ, रात को हमारा बोट पे लगा जो टेंट था वो भी उखड़ गया। जैसे तैसे हमने रात काटी और दिन को एक और चांस लेने की कोशिश की थी हमने, बट मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कुछ भी नहीं हो पाया। तो फाइनली हम वापस जा रहे हैं आज, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जाते जाते ऐसे ही थोड़ा सा जो भी सीनरी है उसका वीडियो कैप्चर करने का कोशिश करता हूँ। मूड तो वैसे ही सबका ख़राब है, इतना पैसा लगा दिए, देन बोट का फ्यूल में खर्चा हो गया, फिर भी कुछ हो नहीं पाया, पर फिर भी आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो में दोस्तों, आपको देखने मिलेगा और भी अच्छे से अच्छा नज़ारा। तो अभी फुल हाइटेड है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा किनार से जाएंगे ताकि आपको वो व्यू अच्छा से मिल सके। Thank you.
तो दोस्तों ये है वो वाटरफॉल जो हमने आपको कहा था कि थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा हाफ हाइटेड कह सकते हो आप, हाफ हाइटेड हुआ है जिसके कारण हम इतना नज़दीक एटलीस्ट आ पाए हैं कि एटलीस्ट आप पानी गिरता हुआ देख सकते हैं। हम पहाड़ के इतने नज़दीक है कि पूरा पहाड़ कैमरे में कवर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है, वहाँ सामने एक दिख रहा है, ये रहा। तो दोस्तों रिटर्न में हम पहुंच गए हैं, रुटलैंड का ही एक पार्ट है जिसको लोकली नाम कहते हैं हम चेन नाला। तो चेन नाला एक बहुत ही प्यारा डाइव साइट है। यहाँ पे अगर आप कभी डाइव कोर्स के लिए अंडमान में ज्वाइन करते हो तो काफ़ी सारे डाइव सेंटर्स हैं जिनका अपना बोट है और उसके थ्रू पे आप यहाँ पे आके डाइव कर सकते हो। जैसे कि सिंक आइलैंड हो गया, चेन नाला हो गया, ऐसे कई सारे डाइव साइट्स हैं जो आपको हर डाइव साइट डाइव सेंटर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, बट कुछ डाइव साइट्स सेंटर्स हैं जो आपको इन सब जगह पे डाइव सिखा सकते हैं, बट उसके लिए आपको डाइव कोर्स ज्वाइन करना होगा। जैसे काफी सारे वैरायटीज देखने मिलेंगे।
बात करें इस तरफ की, ये जो एंड है ये है, आपने सुना होगा चिड़िया टापू बीच। तो ये चिड़िया टापू बीच और वो एंड पॉइंट जो है वो है आपका मुंडा पहाड़। वहाँ पे एक लाइट हाउस है और जितने भी शिप्स जो भी है चेन्नई कोलकाता मुंबई कहीं से भी आता है उसका रूट यही होता है। ये पोर्टलैंड पहुँचने का पहला सिग्नल पॉइंट है लाइट हाउस जो है ये, और यहाँ से भी काफ़ी प्यारा व्यू है। आप जा सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग पे। आपको इसके लिए चिड़िया टापू जाना होगा, चिड़िया टापू से आपको ट्रैक करते हुए मुंडा पहाड़ पहुँचना होगा।
मारना।